नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके की वजीरपुर जेजे कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पिता ने अपने 2 और 5 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या की कोशिश के बाद खुद भी की आत्महत्या की कोशिश। सोमवार की शाम करीब 6:30 की घटना। इस घटना के दौरान 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा और उसका पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही भारत नगर थाना पुलिस और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल भारत नगर थाना पुलिस में 2 साल के बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी। घायलों का इलाज जारी है। जी आपको बता दें कि कल एक ऐसी घटना घटी भारत नगर थाने के अंदर कि एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता और पुत्र की LNJP में इलाज चल रहा है, क्योंकि पिता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जिस बच्चे की मौत हुई उसका पोस्टमार्टम भारत नगर पुलिस थाना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले दर्ज कर तफ्तीश भारत नगर पुलिस स्टेशन ने शुरू कर दी है कि ऐसा एक पिता ने अपने पुत्रों की हत्या करने की कोशिश क्यों की। मैं जसविंदर सिंह, P24 न्यूज़। पूरन चंद, पूरन क्या हुआ था बताइए। जब मैं करीबन 6:30 बजे यहाँ गया, देखता हूँ तो यहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पता करा कि यहाँ पर एक बाप ने अपने बेटे को, दोनों बेटों को गर्दन के यहाँ पर एक चक्कूधार से उसको रेत दिया है। तो आगे पता किया तो वो जख्मी थे, तो इतने में वो पुलिस को कॉल किया, वहां से नहीं हुआ तो उसकी वाइफ नीचे लेके आई, उनकी वाइफ ने देखा एक बच्चे को, तो इतने में वो दूसरे बच्चे को भी उसने गले से रेत दिया। फिर उसने अपने आप को बंद कर लिया दरवाजे में, बंद करने के बाद फिर वो भी उसने भी अपने गर्दन लगा लिया चक्कू से। फिर इतने में पुलिस को कॉल किए तो आए। नाम बताइए अपना। विनोद कुमार। विनोद क्या हुआ था बताइए। मैं तो आया था, भीड़ लगी हुई थी, पता लगा कि राजेश नाम के लड़के ने अपने दोनों बच्चों का गला काट दिया है और वो कहा है कि वो अंदर बंद है। थोड़ी देर बाद पता लगा कि उसने अभी अपना गला काट लिया है। पुलिस आई, खुलवा के ले गए होंगे।